बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद रऊफ। तो आज भी जो बिजनेस आइडिया है वो उसी सीरीज का एक हिस्सा है, स्मॉल बिजनेस आइडियाज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मैं अक्सर आपसे बात बोलता हूँ, तीन चीज़ें, नमाज, कुरान और अदब, ये अपनी लाइफ में लाजम कर लीजिए, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो बिजनेस आइडिया है। जैसे कि आपको पता है कि अब सर्दियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है और सब बंदों को अब सर्दी लगने वाली है, जाहिर सी बात है। तो सर्दियों में एक बहुत ही शानदार बिजनेस आपने जगह जगह पर इसके छोटे छोटे स्टॉल पॉइंट देखे होंगे, तो लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा, बाकी सिटीज़ का मैं इतना कह नहीं सकता। तो जी सही समझ रहे हो, हाँ वही, तो वही आइडिया जो आप सोच रहे हो, सूप का आइडिया, क्योंकि बेहतरीन किस्म का ये काम है। बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, इतनी ज़्यादा इसमें आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप काम स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो सारी पड़ी है यूट्यूब के ऊपर कि आपने कैसे बनाना है, ये सूप बनाना कैसे है, हर चीज़ अवेलेबल है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है वो ठीक ठाक मार्जिन है, इसमें जो प्रॉफिट रेशियो ना आपका ऑलमोस्ट 200-300% आपका ये प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि 10 रुपये लगाओ तो 40 रुपये कमाओ, इस तरह का ये है मार्जिन। मैं बता रहा हूँ ये, अब इस पे ना इम्प्लीमेंट करके बनेगा 10 रुपये का, 40 का बेचेंगे, ऐसा ऐसा ही। तो इतनी ही कॉस्ट आती है मेरे ख्याल से, 10 रुपये से, 10 रुपये का कॉस्ट है और 40 रुपये तो बच जाते हैं यार, चलो इधर से ही समझ जाओ। तो अच्छा आइडिया ये, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है वो ही, यानी कि जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, जो रूल्स पहले बताए, क्वालिटी दो, एक मैार दो यार, और जैसी चीज़ आप पसंद करते हो ना, खुद पसंद करते हो यार क्या टेस्ट है, तो वैसा ही फिर टेस्ट दो भी, तो फिर अगला बंदा कहेगा वाह क्या टेस्ट है। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ पसंद है अपने लिए, तो फिर वो भी दूसरों को लिए भी वही पसंद करो। तो मेयार, क्वालिटी, टेस्ट, तीन चीज़ों पे बस इंप्लीमेंट करो तो सब चीज़ें अवेलेबल है। अच्छा मार्जिन है, अच्छा काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है। एक छोटा सा काउंटर लेना है आपने, चलो आप सीक्वेंस में बताऊं, काउंटर आपको चाहिए या कुछ आप छोटा सा पॉइंट बना लीजिए, जहाँ पर भी सड़कों पे ज़्यादातर लगे होते हैं काउंटर लगे होते हैं इसके, तो स्टॉल भी बोल सकते हैं इसको। तो होता क्या है यार, जो मेरे पंजाबी देसी भाई हैं वो इनको यखनी बोलते हैं, तो जो आज की लेटेस्ट जनरेशन आ रही है वो उसको सूप बोलती है, कौन सूप, चिकन सूप, तो इसके बहुत से नाम है भैया। तो अच्छा आइडिया है, सर्च कर लीजिए बनता कैसे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। बस करीब चाहिए यार, इंसान में हिम्मत चाहिए करने के लिए, एक जो होता है ना पैशन, वो तो जब तक एक आपके अंदर एक पैशन नहीं होगा तो फिर आप कोई भी काम कर नहीं सकोगे। सिर्फ बातें कि ये जो लोगों के सुने जाओ, लोगों से रिक्वेस्ट किए जाओ, यार कोई जॉब ढूंढ दे, तेरी मेहरबानी है भाई, है यार तो अपना, तो इस तरह की आपने कोई भी यानी कि चीज़ करने से बचना है, तो फिर आप अपना काम कीजिए, क्योंकि जो मज़ा अपने काम में है ना वो किसी और के काम में नहीं है। एक तो आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होगी, यार मुझे बॉस की कॉल आ गई, मेरा सुबह जाना है, जब दिल करे एंजॉय करो। ये पार्ट टाइम भी है यार, पार्ट टाइम यानी कि रात के टाइम ये ज़्यादा चलता है, तो शाम से यानी कि 4-5 बजे आप लगाओ, 10-11 बजे तक 1000-1500 रुपये आप इजीली इसमें निकाल लोगे, नहीं इधर निकलता, ये कम निकला था, 500-700 निकला था, फिर भी ठीक है यार, सीजन लगाओ, 2000 पैसे इकट्ठे करो। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइम बिजनेस के लिए देखते हो, लॉन्ग टाइम बिजनेस भी बहुत अच्छा है इसको, फिर उसके वैसा डिज़ाइन भी करना चाहिए, हर चीज़ प्लान की जा सकती है।
वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो कैसे होगा वो तो मैं बताऊंगा बाद में, जब आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल आओगे कि नौकरी 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 नौ, निकलो यार बाहर नौकरियों के चक्कर से, थोड़ा सा अपना काम कुछ तो करके देखो यार, सब अच्छा होगा। या भाई ये लो मेरी CV, MBA करके भी तरले कर रहे हो लोगों का यार, घंटा मिलता है यहाँ पे कुछ भाई, अपना करो। बिलीव है ना, इतनी फीसें भर सकते हो, इतने बड़े महंगे मोबाइल रख सकते हो, बस यही है कि यार मैं ये काम करता हूँ अच्छा लगूंगा, रहते नहीं यार हम इतने बड़े बिल गेट्स से। तो यार वैसा फिर सोचो भी, उतनी बड़ी सोच भी डेवलप करो थोड़ी। बस होता है यार ये बहुत से दोस्त यानी कि ऐसे यार ये जॉब ढूंढ, तो इतने पढ़ा होने के बावजूद वो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार, 20 हज़ार की बस यार छोड़ो। तो बस ये आइडिया उन लोगों के लिए यानी कि जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपना आपको कहीं लाइफ में देख रहे हैं, कुएं के मेंढक नहीं बने हुए। तो यही था आज के आइडिया में, के सूप का आइडिया, सर्दियों का सीजन आने वाला है तो उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, साथ में अंडे भी रख सकते हो। तो है ये तो फिर जब आप बिजनेस करोगे तो भी डेफिनेटली आप चीज़ें सोचोगे कि इसमें से क्या 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 चीज़ें की जा सकती हैं। तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, तो फिर उसमें यानी कि कुछ आपके साथ मैं डिस्कशन करता रहूँगा, तो जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो फिर आइडिया यानी कि और मैं डिस्क्लोज करूँगा प्रॉपरली, यानी कि A to Z आपको बताऊंगा कि इसको एज अ ब्रांड आप लेके कैसे चल सकते हो। लेकिन अभी इसकी जो सीरीज चल रही है वो जस्ट आपको थोड़े थोड़े आइडियाज दे रहा हूँ कि आपको हाँ पता चल ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार आप लोगों यार, आपको बस बताने की देर है, बाकी तो आप पाकिस्तानी कौम जुगाड़बाज है ही है, तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब कीजिए, फ्री है, लाइक भी फ्री है, शेयर तो बिल्कुल फ्री है, ट्राई कर लो अभी, हम करो क्लिक, पैसे लगते हैं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, चेक करो, नहीं लगे लाइक भी क्लिक करो, लगे पैसे नहीं लगे, शेयर पे करो अगर चेक करो पर नहीं लगता यार, फ्री है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।